नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम कक्षा दूसरी का अध्याय एक पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या है लंबा क्या है गोल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हम इस अध्याय में लंबी और गोल चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लंबी चीजें जैसे पेंसिल, गाजर, पाइप, और गोल चीजें जैसे गेंद, लड्डू, नींबू। तो चलो अध्याय शुरू करते हैं। एक गांव में एक चाचा रहते थे, जिनका नाम था मीकू चाचा। वो बच्चों को और बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि मीकू चाचा आ रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हुए। बच्चों ने कहा, अरे देखो मीकू चाचा आए हैं, झोला भर कर लाए हैं। मीकू ने कहा, बच्चों कैसे हो? बच्चों ने जवाब दिया, इस झोले में क्या लाए हैं हमारे लिए? मीकू ने कहा, झोले में बहुत सी तरह की चीजें हैं। और बच्चे खुश हो गए। बच्चों ने कहा, हाँ हाँ दिखाओ ना चाचा। मीकू ने कहा, दिखाऊंगा एक एक करके, ऐसे नहीं, मैं झोले में हाथ डालूंगा और उस चीज के बारे में कुछ बातें बताऊंगा कि वो चीज कैसी लग रही है। तुम्हें बताना होगा कि वो चीज क्या है। बच्चे बहुत खुश हुए और कहने लगे, हाँ हाँ चाचा शुरू करते हैं। मीकू ने कहा, चलो तुम लोग चार चार लोगों की दो टीम बना लो। चाचा थैले में हाथ डालते हैं और टीम ए गाना गाती है, आंखें मीचे पता लगाएं, हाथ से छुएं और बताएं, छूने में कैसा जरा बताएं, हम नाम बताएं, खेल जीत जाएं। बच्चे चाचा से बोल रहे हैं कि चाचा आंखें बंद कर लीजिए, पता लगाइए और हाथ से छूकर बताइए कि छूने में वो चीज कैसी है। हम उसके बाद उस चीज का नाम बताएंगे और इस तरह हम ये खेल जीत जाएंगे। चाचा ने कहा, एक छोर नुकीला, दूसरा छोर चपटा, पाइप की तरह गोल गोल, क्या है ये? तोल मोल के बोल। चाचा बच्चों से बोल रहे हैं कि इस चीज का एक कोना तो नुकीला सा लग रहा है और दूसरा कोना चपटा है, और यह चीज पाइप की तरह गोल गोल है। तो बच्चों सोच समझ के बोलो, क्या है ये चीज? टीम ए के बच्चे बोलते हैं, पेंसिल। ऐसा इसलिए क्योंकि पेंसिल का एक छोर चपटा होता है और दूसरा छोर जब हम पेंसिल को छील लेते हैं तो नुकीला हो जाता है। इसका और कोई दूसरा जवाब क्या हो सकता है? हाँ, इसका दूसरा जवाब पेन हो सकता है। मीकू चाचा ने कहा, चलो बच्चों अब तुम लोग इसी तरीके से खेलो। बच्चे, चाचा क्या हम इस झोले में और कुछ चीजें डालकर खेल सकते हैं? मीकू चाचा बोलते हैं, हाँ जरूर। फिर बच्चे एक लड़के की आंखों में पट्टी बांध देते हैं और खेलना शुरू करते हैं। टीम ए की बारी है छूकर पता लगाने की। वे गाना शुरू करते हैं, छूने में कैसा जरा बताएं, नाम बताएं, खेल जीत जाएं। टीम ए का बच्चा अपना हाथ थैले में डालता है, बाकी बच्चों को पता लगाना है।
चलो हम उसकी मदद करते हैं पता लगाने में। जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी है वो गाता है, सब तरफ से गोलम गोल, ना कोई कोना ना कोई चोर, हाथ में अपने इसे घुमा लूं, चाहूं तो इसको लुढ़का लूं। सोचो तो क्या है हो सकता है ये, मतलब कि थैले के अंदर कोई ऐसी चीज है जो पूरी तरह से गोल गोल है, उसका कोई कोना भी नहीं है ना ही कोई किनारा है, इसे लुढ़काया भी जा सकता है और हाथ में घुमाया भी जा सकता है। तो बच्चों बताओ क्या है ये? हाँ, इसका जवाब है गेंद। गेंद पूरी तरह से गोल होती है, ना ही उसका कोई कोना होता है ना ही किनारा, उसे लुढ़काया भी जा सकता है और हाथ से घुमाया भी जा सकता है। अब वो बच्चा दोबारा थैले में हाथ डालता है और बोलता है, पहले लंबा फिर है गोल, एक छोर चपटा और एक छोर गोल, हाथ में पकड़ू या गले में लटका लू, क्या है जल्दी से बोल। इसका मतलब है कि वो बच्चा किसी ऐसी चीज की बात कर रहा है जो नीचे से लंबी होती है और ऊपर से गोल, उसका एक किनारा चपटा होता है और उसे हाथ में भी पकड़ सकते हैं और गर्दन में भी लटका सकते हैं और गर्दन में लटकाकर चलकर स्कूल भी जा सकते हैं। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा। जी हाँ, वो चीज है आपकी पानी की थर्मस, जो हम अक्सर स्कूल में जाते समय गले में लटका लेते हैं। इसके बाद सारे बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और एक खेल खेलना शुरू करते हैं जिसका नाम है जल्दी जल्दी फटाफट। क्या है लंबा, क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो एक लड़की बोलती है, बल्ला लंबा गेंद है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर सभी बच्चे गाते हैं, क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो दूसरी लड़की बोलती है, बोतल लंबी ढक्कन गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर सभी बच्चे गाते हैं, आप भी मेरे साथ गाइए, क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो एक लड़का कहता है, खीरा लंबा टमाटर गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर सभी बच्चे गाते हैं, क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर एक लड़का कहता है, डंडा लंबा सिक्का गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर सभी बच्चे गाते हैं और आप भी गाएंगे, क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो फिर से चाचा गाते हैं, खंबा लंबा सूरज गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो एक लड़की बोलती है, बल्ला लंबा गेंद है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर सभी बच्चे गाते हैं, क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो दूसरी लड़की बोलती है, बोतल लंबी ढक्कन गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर सभी बच्चे गाते हैं, आप भी मेरे साथ गाइए, क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो एक लड़का कहता है, खीरा लंबा टमाटर गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर सभी बच्चे गाते हैं, क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर एक लड़का कहता है, डंडा लंबा सिक्का गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। फिर सभी बच्चे गाते हैं और आप भी गाएंगे,
क्या है लंबा क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। तो फिर से चाचा गाते हैं, खंबा लंबा सूरज गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। और इस तरह से बच्चे हंसते हुए खेल खत्म करते हैं। तो बच्चों, आप सब मिलकर मुझे इन चीजों के नाम बताएंगे। चार गोल चीजों के नाम बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और अब मेरे भी सुनिए, मैंने इन चार चीजों के नाम सोचे। सूरज, टमाटर, प्लेट, रोटी। सूरज, टमाटर, प्लेट, रोटी। है ना मजेदार खेल? तो अब तुम चार लंबी चीजों के नाम बताओ। अरे वाह, आप सब तो बहुत बहुत होशियार हैं। चलिए अब मेरे उत्तर भी सुनिए। बोतल, डंडा, बल्ला, पाइप। बोतल, डंडा, बल्ला, पाइप। इसके बाद दो नुकीली चीजों की बात करते हैं। अब आप मुझे दो नुकीली चीजों के नाम बताइए। कील, सुई। और इन दोनों चीजों से आपने दूर रहना है, यानी नुकीली चीजें आपको चुभ सकती हैं। बताइए दो चपटी चीजों के नाम। शाबाश। किताब, माचिस का डिब्बा। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिनको खिसकाया जाता है और जिनको लुढ़काया जाता है। खिसकाना उसे बोलते हैं जब हम किसी चीज को धक्का मारते हैं और वो चीज आगे बढ़ने लगती है। जैसे हम अपनी कुर्सी को धक्का मारकर आगे या पीछे ले जा सकते हैं, तो ये कुर्सी को खिसकाना हुआ। और लुढ़काना उसे बोलते हैं जब हम किसी चीज को एक बार धक्का मारते हैं और वो थोड़ी दूर तक खुद ही चले जाती है। जैसे गेंद, यानी गोल चीजें लुढ़कती हैं और चपटी चीजें खिसकती हैं। कुछ चीजों को खिसकाया और लुढ़काया भी जा सकता है। चीजें हमेशा चिकनी सतह पर लुढ़कती हैं और खुरदरी सतह पर चीजें ज्यादातर खिसकाई जाती हैं। इनमें से किन चीजों को खिसकाया जा सकता है और किन चीजों को लुढ़काया जा सकता है, अलग अलग लिखें।
तो इन चीजों को जरा ध्यान से देखें। गेंद, डिब्बा, अलमारी, लड्डू, जूता, सिक्का, सिलेंडर, मेज, कुर्सी, बोतल। अब नीचे देखिए, खिसकने वाली चीजों का नाम यहाँ लिखें और लुढ़कने वाली चीजों का नाम दूसरी तरफ। देखिए, मैंने खिसकने वाली चीजें यहाँ लिखी हैं, डिब्बा, अलमारी, जूता, मेज, कुर्सी, और जो मुझे लुढ़कने वाली चीजें लगी वो मैंने इस तरफ लिखी हैं, गेंद, लड्डू, सिक्का, सिलेंडर और बोतल। लंबी चीजों को लाल डिब्बे में और गोल चीजों को पीले डिब्बे में अलग अलग रखो। अब इन चीजों को ध्यान से पहले देखो और फिर इनको अलग अलग डिब्बों में रखना है। लंबी चीजों को लाल डिब्बे में और गोल चीजों को पीले डिब्बे में। तो सुनो, बल्ला, डंडा, बांसुरी, पेंसिल, लौकी, खीरा, केला, आप सबको बहुत पसंद है, अमरूद, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा, गेंद, ऊन का गोला, टमाटर, सिक्का, आलू, पाइप, संतरा। तो चलो शुरू हो जाओ। लाल डिब्बे में क्या क्या डालोगे और पीले डिब्बे में कौन कौन से डालोगे? शाबाश। इंतजार किया मैंने। तो देखें मेरे लाल डिब्बे में क्या क्या आया है। देखो, बल्ला, डंडा, बांसुरी, पेंसिल, लौकी, खीरा, केला और पाइप। और मेरे पीले डिब्बे की तरफ देखो, अमरूद, गेंद, ऊन का गोला, टमाटर, सिक्का, आलू, संतरा। शाबाश, आपने तो ये कार्य बड़ी जल्दी कर लिया। अब खाली स्थान भरें। क्या है लंबा, क्या है डैश? शाबाश। क्या है गोल? डंडा लंबा, डैश है गोल। शाबाश, गेंद है गोल। तो ये गाने की पंक्तियां थी जो बच्चे गा रहे थे, वो कुछ इस तरह थी। क्या है लंबा, क्या है गोल, डंडा लंबा, गेंद है गोल। अब देखिए, यहाँ खाली स्थान में आपको उचित शब्द भरना है। टमाटर डैश आकार का होता है। बिल्कुल सही, टमाटर गोल आकार का होता है। बोतल को डैश जा सकता है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, बोतल को लुढ़का सकते हैं। बच्चों, बोतल गोल और लंबी होती है और गोल चीजों को हम लुढ़का सकते हैं। तो हाँ बच्चों, इसका जवाब होगा बोतल को लुढ़काया जा सकता है। प्लेट, डैश और चपटी दोनों हो सकती है,
बताइए। बिल्कुल सही, प्लेट गोल और चपटी दोनों हो सकती है, इसलिए हम प्लेट को खिसका और लुढ़का दोनों सकते हैं। बल्ला आकार में डैश होता है, बल्ला आकार में लंबा होता है। अब आप इन चीजों को उनके आकार वाले शब्द से मिलाओ। ध्यान से देखो, सबसे पहले बांस, गेंद, डिब्बा, सुई और दूसरी तरफ शब्द लिखे हैं, नुकीला, लंबा, गोल, चपटा। तो सोचो अब ये बांस क्या है? बिल्कुल सही, लंबा। बांस को लंबा के साथ मिलाओ। अब देखो गेंद कैसी लग रही है? बिल्कुल सही, गोल लग रही है। तो गेंद को गोल शब्द के साथ मिला दीजिए। अब देखिए इस डिब्बे को, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल सही, मुझे भी तो चपटा ही लग रहा है। तो चलिए इस डिब्बे को हम चपटा के साथ मिला देते हैं। आउच, सुई। ध्यान से, ये तो बहुत नुकीली है, तो सुई को हम नुकीला के साथ मिला देते हैं। बच्चों, खेल खेल में ये सब सीखकर मुझे तो बहुत आनंद आता है और उम्मीद करती हूँ आप सबको भी ये खेल बहुत पसंद आते होंगे। तो चलो अगली बार के लिए सोच के रखो कि हम क्या क्या खेलेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। अलविदा।